हाँ फ्रेंड्स, तो एक दिक्कत हो गया है, हमें दिखता है कर्क रेखा वो यहाँ से होके गुजरती है। फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, अभी हम वाडफ नगर में और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जा रहे हैं अंबिकापुर, तो बने रहिए वीडियो में और तीन चार दिन वहीं रुकेंगे, शायद ज़्यादा भी रुक जाएं। एक सामान है पीछे, संदीप बैठा हुआ है और चलिए पहुंच के दिखाते हैं वहाँ। हाँ दोस्तों, तो अभी आप पीछे देखे होंगे वो घाट, पिंडारी घाट है और यहाँ पास से घाट शुरू हो जाता है। पीछे बोर्ड लगा हुआ है घाट प्रारंभ करके, और ये यहाँ मंदिर शिव जी का जस्ट घाट के ऊपर में ही है। बस पानी वानी पी लेते हैं, इसके बाद चलते हैं अंबिकापुर की ओर और वहाँ आज रूम ले रहा हूँ मैं, और चलिए दिखाता हूँ आपको अंबिकापुर पहुँच के। हाँ दोस्तों, तो अभी हम भैंसा मुंडा के पुल में हैं, पुल के बोले तो इस पार, और यहाँ पास कर्क रेखा गुजरती है, जो भारत के नक्शा में दिखता है कर्क रेखा वो यहाँ से होके गुजरती है। और जिसको कर्क रेखा नहीं पता है उसको मैं कर्क रेखा बता रहा हूँ। ये देखिए, ये भारत का नक्शा है, भारत का तो नहीं, छत्तीसगढ़ का नक्शा है। तो छत्तीसगढ़ का नक्शा में ये जो लाइन देख रहे हैं आप, ये लाइन और ये लाइन, इसे को कर्क रेखा बोलते हैं। आई होप कि ये जानकारी आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा तो नीचे कमेंट में लिखें, और इसी टाइप का वीडियो मैं बनाते रहूँगा। आज जा रहा हूँ मैं अंबिकापुर, क्योंकि एग्ज़ाम है मेरा 28 तारीख से, और कम से कम 10-15 दिन वहीं रुकूँगा, तो आपको वहीं का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाँ फ्रेंड्स, तो एक दिक्कत हो गया है, और जो सील में देख रहे हैं ये कोई कलर वगैरह नहीं कराया हूँ, ये पूरा धूल चमक रहा है, धूल, रोड का धूल, और मेरा गाड़ी हो चुका है पंचर। बस बन रहा है, इसके बाद निकलेंगे अंबिकापुर के लिए। बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम लोग का सामान भी जा रहा था अंबिकापुर बस में, और एक फ्रेंड को बोला हूँ वहाँ उतारने के लिए, बोला तो है उतार लूँगा, बात करके पूछता हूँ उतारता है कि नहीं उतारता है। बने रहिए वीडियो में अंबिकापुर तक, अंबिकापुर का आपको रूम भी दिखाता हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं फाइनली अंबिकापुर, और ये रहा मेरा फ्रेंड जो हम लोग का सामान उतारा है। गाड़ी पंचर हो गया था जो कि वीडियो में आप लोग देखे, बस यही सामान है, तीन ठो, ज़्यादा नहीं है। चलते हैं रूम, रूम का दिखाते हैं किस टाइप का रूम है, अभी तक तो खुद नहीं देखा हूँ मैं।
हाँ तो हम लोग अंबिकापुर पहुंच चुके हैं और अंबिकापुर में रूम लिए हैं इस टाइप का एंट्रेंस। अरे अंदर घुसते ही किचन जो कि कुछ है ही नहीं यहाँ पे अभी फिलहाल। और एक बिस्तर बना चुके हैं हम लोग, इधर सामान पड़ा हुआ है, गैस टंकी, कपड़ा टंगा हुआ है। तो क्या ही करें, एग्जाम दे रहे हैं, 10-15 दिन में चले जाएंगे। हाँ तो दोस्तों संदीप अंदर है, बस खाना बना रहा है, तो लोग इंटर यहीं बस करते हैं।